हेलो गाइस, मैं शहबाज और आप देख रहे हैं टेक एरीज चैनल को। और टैली के ट्यूटोरियल में जो हमने शुरू किया था पहले, उसमें कंटिन्यू करते हुए मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको टैली में प्रोडक्ट कैसे क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप ऑनलाइन सेल करते हैं, प्रोडक्ट्स की एंट्री करना चाहते हैं, तो टैली में कैसे आप उसको एंट्री कर पाएंगे, मैं वो इसके बारे में ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो अगर आप टैली में ऑलरेडी पहले से हैं, तो आपको पहले यहाँ पे इन्वेंटरी इन्फो को आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद फिर आपको स्टॉक आइटम्स का एक ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे आप क्लिक करिए। और वो करने के बाद आप क्रिएट का ऑप्शन आपको एक मिलेगा, उस पर आप क्लिक करिएगा। आपको यहाँ पर दिख रहा है नेम, आप वहाँ प्रोडक्ट का नाम एंट्री करेंगे। और अगली बार का आपको ध्यान रखना करना पड़ेगा, अगर आप पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो प्रोडक्ट्स ऐड करना चाहते हैं उनका फ्रीक्वेंस आपको याद करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा मतलब, या फिर आपको उसको ऐड इस तरह से करें कि जैसे टाइप करते जाएं उस हिसाब से आप लिख लें, ठीक है। वरना आप ऐसा होगा कि मतलब आप इसमें टोटल जैसे नहीं है कि आप कुछ भी टाइप करें वो विजन आप वहाँ पे सर्च करेगा। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। पहले मैं एक ऐड करता हूँ, जैसे सपोज़ मैं एक सैमसंग का, मैं मोबाइल वैसे बेचता नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दिखाना चाहता हूँ। उसको फीचर्स उसने खास पसंद नहीं है और कम्प्लीटली आप काफ़ी आने लगी है कंप्लेन में, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं आप देख रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आप देखते हैं उसका प्रोडक्ट कैसे आप नाम यहाँ पे इंटर करेंगे। आप पहले सैमसंग, उसके बाद प्रोडक्ट्स का कोड जो है वो कोड यहाँ लिखने की कोशिश करिए, जैसे कि J2, ठीक है। सपोज़ वैसे मैं यूज़ नहीं करता लेकिन फिर भी स्मार्टफोन, ठीक है। आप यहाँ पे इसे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप और कुछ यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं ऐड, तो ऐड कर सकते हैं जैसे स्मार्टफोन, वाईफाई, एक्स्ट्रा 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 कुछ भी, आप कुछ भी नाम आप ऐड करिए। लोग कोशिश करिए बैंक का नाम, प्रोडक्ट का कोड, उसका आप उस हिसाब से नाम बनाएं। फिर यहाँ पे एलियंस बेसिकली आप नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, इनिशियल स्टेट्स पे। और फिर उसके बाद इसके बाद में मतलब जिस तरह से आपका ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा उस हिसाब से आप कर सकते हो। कैटेगरी आप कुछ भी क्रिएट की हुई है या फिर फ्री करना चाहते हैं, या फिर आप यहां पे डायरेक्ट ऑल्ट सी, पहले ऑल्ट उसके बाद सी प्रेस करेंगे तो यहां पे कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, जैसे मोबाइल फ़ोन, ठीक है। और मोबाइल फ़ोन्स के या प्राइमरी में सेलेक्ट करेंगे, फिर ये एस कर दीजिए जाए, ठीक है। और यहां पे लिखा है यूनिट नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। यहां पे आपको ऐड करना पड़ेगा, यहां पे इसको ओए ऑल्ट सी करिए तो यहां पे सिंबल आपको डायरेक्टली यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे नोस नंबर नंबर ऑफ, ठीक है। तो ये आपका, तो ये नंबर्स में आ गया। तो डेट ऑफ मतलब जो भी ड्यूटीज़ आपकी है वो आप कर सकते हो, रेट ऑफ ड्यूटीज़, ठीक है। आप ओपनिंग बैलेंस क्वांटिटी आपकी, आपको क्वांटिटी अगर आपको स्टॉक में है तो यहाँ पे आप यहाँ पे इसको रहने दीजिए, या फिर नहीं है तो रहने दीजिए। तो ये प्रोडक्ट्स आपको क्रिएट, तो अभी आप दूसरे दो तीन प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है। नोकिया मोबाइल फ़ोन, ठीक है। तो दो तीन हम करते हैं, तो यहाँ पे कैटेगरी में डाउनलोड यहाँ पे डाल देता हूँ मैं दूसरा कोई प्रोडक्ट्स का, आईफोन मोबाइल फ़ोन और 16, ये भी रैंडमली आपके प्रोडक्ट्स में डाल रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स को चेक करने हैं कौन कौन से प्रोडक्ट्स मैंने ऐड किया है, ठीक है। तो आप यहाँ बैक जाएंगे, उसके भी इसके जाने पर आप बैक जाएंगे, उसके बाद देखिए डिस्प्ले में जाएंगे, डिस्प्ले आपको सारे प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे आ जाएंगे जो जो आपने किया होगा। अगर आपके पास पायरेटेड सॉफ्टवेयर है टैली का, तो सपोज़ आपको ये J2 मोबाइल सैमसंग का, या फिर जो आपके आपको सर्च करना है तो आपको सैमसंग का बहुत सारे मोबाइल फ़ोन हैं, तो आप डायरेक्ट J2 लिखने जाएंगे तो यहाँ पे डिस्प्ले नहीं होगा, एरर बता देगा। तो आपको सैमसंग J2 करना होगा, तब वो एग्जैक्ट प्रोडक्ट्स आएगा जो भी पायरेटेड वर्जन में। अगर आप पेड वर्जन में है तो यहाँ पे J2 लिखेंगे ही, अगर आप पेड वर्जन होता है तो J2 ही लिखने पर वो आ जाएगा, जितने भी नियरेस्ट नेम है वो सारे डिस्प्ले करेगा। बस पायरेटेड वर्जन में आपको जिस हिसाब से आप क्रिएट मतलब प्रोडक्ट्स को क्रिएट किया है उस हिसाब से करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आपकी ये प्रॉब्लम है पायरेटेड वर्जन में और पे वर्जन में, ये बेनिफिट होता है,
ठीक है, आप ये देख लिया कि प्रोडक्ट्स को कैसे क्रिएट करते हैं, आप प्रोडक्ट्स में टैक्स रेट भी होता है वो भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जैसे मैं ऑर्डर में जाके उसके बाद क्लिक में जाऊँगा, ओके, उसके बाद यहाँ पे ऑर्डर में जाऊँगा, यहाँ पे टैक्स रेट के, अगर यहाँ पे कोई भी टैक्स आपको यहाँ पे डाल सकते हो, ऐड कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको ये कुछ इसमें चेंजेस करने हैं तो आप ये फीचर्स में चले जाइए, ठीक है। यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे चेंजेस आप कर सकते हैं, अलाउड जीरो, मेंटेन मल्टीपल गोडाउंस, मेंटेन स्टॉक कैटेगरी, येस कर दीजिए, ठीक है। मेंटेन बैग्स वाइज आप जितने भी जो चीज़ चाहिए यहाँ पे सारे आप येस नो कर सकते हैं, जो भी चीज़ आपको अलाउड परचेज ऑर्डर पॉइंट्स एक्सक्यूज मी, तो यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। ऑर्डर इज मोरल, इसके बाद यहाँ पे अलाउड, ठीक है, येस 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 येस, नो 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 नो, इसके बाद ओके कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे वो करने के बाद कैटेगरी यहाँ पे आ गया है, अंडर मोबाइल फ़ोन यहाँ पे आ गया है, ठीक है, मोबाइल्स नंबर्स एस, ये अपने बैच वाइज किया है इसलिए अगर आप बैच वाइज आपको नहीं रखना है तो इसको हटा दीजिए, यहाँ पे हटा देते हैं, ठीक है। उसके बाद यस नो कर दीजिए, ओके, उसके बाद यहाँ पे वो चला जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आप जिस हिसाब से यहाँ पे प्रोडक्ट्स के आप जितने भी प्रोडक्ट्स आप बेचना चाहते हो या परचेज़ कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे आप उसके प्रोडक्ट्स को इस हिसाब से नाम क्रिएट कर पाएंगे। दूसरा एक क्रिएट ऑप्शन होता है, जब आप वाउचर एंट्री करने जाएंगे तो यहाँ पे अकाउंटिंग वाउचर में, तो जैसे ही आप यहाँ पे एक्स दबाएंगे तो यहाँ पे सेल्स आएगा, तो यहाँ पे जैसे ही रेफरेंस में आपको ये, मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, तो अभी आपको पार्टी का नाम है और यहाँ पे फ़िलहाल अभी कोई भी ले लेता हूँ, और यहाँ पे सेल, यहाँ पे लेजर ये भी आप क्रिएट करना पड़ेगा क्या होता है, ठीक है। और यहाँ पे कुछ अभी बता सकता नहीं, तो कुछ चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, अभी कन्फ्यूज़न हो जाएगी जो नए लोग हैं, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे मैंने सैमसंग का ले लिया है, एस लिखा, तो जितने भी एस वाले ऑप्शन मतलब प्रोडक्ट्स होंगे स्टार्टिंग में वो आ जाएंगे, तो यहाँ पे और सी करके आप करेंगे तो फिर से वही क्रिएट आ जाएगा। यहाँ पे लिखूँगा रैंडम में प्रोडक्ट्स को मैं क्रिएट कर रहा हूँ आपको दिखाने के लिए, ठीक है। अभी आप देखिए, आप यहाँ पे सैमसंग लिखेंगे तो यहाँ पे सारे सैमसंग वाले आ जाएंगे पेड वर्जन में भी, और मैं J2 लिखूंगा तो ये जितने भी है जो पेड वर्जन में J2 लिखोगे तो सारे जितने भी J2 वाले सैमसंग फ़ोन होंगे सब आ जाएंगे। अगर पायरेटेड होंगे तो वहाँ पे ऐसा लिखने होगा स्टार्टिंग में जो भी प्रोडक्ट्स हैं सैमसंग J2, तब आपको वो आपको वहाँ पे शो करेगा, ठीक है। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही बताना था शॉर्ट वीडियो में, और भी ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपको मैं दूंगा, एक वीडियो अपना इसका बना के देता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। अगर कोई भी क्वेरी हो तो मुझे आप ज़रूर इसको बताइएगा, मैं डेफिनेटली आपको आंसर इसका दूंगा, और आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी, और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।